हूं पारुल त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना टीकाकरण में जल्द ही दो और वैक्सीन शामिल हो सकती हैं। जी हां, इसी सप्ताह सरकार दो नई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे सकती हैं। इनमें से एक जायडस कैडिला कंपनी की डीएनए आधारित वैक्सीन है, जबकि दूसरी वैक्सीन कोवैक्सा है, जिसमें उत्पादन गुणों स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन विशेषज्ञ समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में तीन टीकों पर चर्चा होगी। इसमें बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन भी शामिल है, लेकिन इनमें से दो वैक्सीन को इसी सप्ताह आपातकाल की अनुमति मिल सकती है। वहीं समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया है कि करीब 5 सप्ताह पहले जायडस कंपनी ने डीएनए आधारित स्वदेशी वैक्सीन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन तीसरे के परीक्षण से जुड़े परिणाम पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए कंपनी से अन्य दस्तावेज भी सौंपने के लिए कहा गया था। वहीं पिछले सप्ताह कंपनी से सभी दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं और उनकी समीक्षा भी लगभग हो चुकी है। साथ ही एक अन्य सदस्य ने बताया है कि कोवैक्सा नाम से जिस वैक्सीन को लेकर भारत में सीरम कंपनी ने आवेदन दिया है, उस टीके के लिए अन्य देशों में भी नोवावैक्स कंपनी की ओर से अनुमति मांगी गई है और अभी तक इसके तीनों परिणामों के आधार पर कुछ देशों में अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि इन दोनों वैक्सीन को सबसे पहले आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल अभी तक भारत में स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने नशे के कारोबार के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही याद दिलाई है। दरअसल सिद्धू का कहना है कि मजीठिया पर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब दिया जाना चाहिए और यदि नशे के कारोबार को लेकर हुई चर्चा की सीलबंद रिपोर्ट को खोलने में देरी हुई तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सिद्धू ने राज्य सरकार से मांग की है कि नशे के कारोबार को लेकर हुई जाँच की बंद रिपोर्ट को खोला जाए। उन्होंने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और इसीलिए पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सिद्धू ने सोमवार को लगातार 3 ट्वीट कर इस मुद्दे को फिर से उभारा। उन्होंने लिखा कि 18 सूत्रीय एजेंडे के तहत नशे के कारोबारियों को दंडित करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा सिद्धू ने कि फरवरी 2018 में ADGP हरप्रीत सिद्धू की अध्यक्षता में STF ने हाईकोर्ट में स्टेट रिपोर्ट दायर की थी और ऐसे में ईडी द्वारा दर्ज बयान और सबूतों की जांच की गई थी। ये बयान और सबूत जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल अन्य लोगों के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। वहीं सिद्धू ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि पंजाब के युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले इस मामले पर हाईकोर्ट ने 2.5 सालों में कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो मजीठिया के खिलाफ मामले को जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सील बंद रिपोर्टों को खोलने के लिए याचिका दायर करें ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। दो दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह खीर भवानी माता के दर्शन किए। वो डल झील किनारे स्थित हजरत बल दरगाह भी जाएंगे और इसके बाद करीब 11:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद एमए रोड श्रीनगर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का राहुल गांधी उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार सोमवार को श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वो रात को श्रीनगर के एक स्थानीय होटल में प्रदेश अध्यक्ष GA मीर के बेटे की वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में नेशंस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई थी। वहीं श्रीनगर हवाई अड्डे पर राहुल गांधी शाम 6 बजे पहुंचे थे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मीर और AICC की जम्मू कश्मीर की प्रभारी रंजनी पटेल और पीर जादा मोहम्मद सैयद सैफुद्दीन सोच, तारिक हमीद कर्रा, रमन भल्ला, योगेश सहनी,
मूला राम आदि ने उनका स्वागत किया था। वहीं एयरपोर्ट के बाहर युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल का स्वागत किया। बता दें, रात को प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में राहुल शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में राहुल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रूबरू हुए। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी पार्टी भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे और बुधवार दोपहर को राहुल वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी पर विराम लगाने का प्रयास राहुल गांधी करेंगे और ऐसे में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरे, इसके लिए राहुल गांधी पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश या हिदायत दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बता दें, बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री खुद जयराम ठाकुर करेंगे और बैठक में स्कूल खोलने के फैसले की समीक्षा भी हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रस्तुति भी देगा और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। वहीं विधानसभा में पेश करने से पहले कुछ बिलों को भी मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है। वहीं ऊना मंडी कांगड़ा में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है और इन जिलों में कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने और 50 नर्सों और 40 पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती और नेरवा मंडी में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने पर भी बैठक में मंथन हो सकता है। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर SIT जांच की मांग की गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में SIT गठित कर जांच करवाई जाएगी और इससे पहले इस मामले में 5 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश NV रमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में IT एक्ट के तहत शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई गई है। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हुआ है तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने सभी याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अर्जी की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें ताकि कोई नोटिस लेने के लिए वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली चर्चा पर अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर खुली परिचर्चा की अध्यक्षता के दौरान आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री माह का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई है। उन्होंने जोर दिया कि महासागर दुनिया की साझा विरासत है और समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा भी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए विषयवार तारीखों की घोषणा आज की जाएगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा कक्षा 10 और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए CBSE डेटशीट 2021 जारी की जाएगी। बता दें, CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in से डाउनलोड कर पाएंगे स्टूडेंट्स और ऐसे में स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड द्वारा CBSE डेटशीट इम्प्रूवमेंट
डिपार्टमेंट प्राइवेट और पत्राचार परीक्षाओं के लिए जारी की जाएगी। बता दें इससे पहले सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट और पत्राचार परीक्षाओं का आयोजन 16 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच किए जाने की घोषणा की गई थी। वहीं बता दें कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद बोर्ड ने स्टूडेंट्स के मूल्यांकन के लिए टेबुलेशन पॉलिसी घोषित की थी और इसी के आधार पर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट की घोषणा भी की गई थी। साथ ही बोर्ड ने घोषणा की थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने इन अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वो बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाले वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा देश और विदेशों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। साथ ही परीक्षाएँ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। सानिध्य सत्ता का हो और तैयारी विरोध की, और तैयारी भी कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि पार्टी का सुपर लीडर कराए तो उस तैयारी से उसे निकालने वाला हर योद्धा मैदान में मास्टर स्ट्रोक लगाने का तैयार हो जाता है। कुछ इसी अंदाज में जब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने जब छत्तीसगढ़ में सत्ता के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को यूपी में विरोधी लहर के बीच विरोध करने का मंत्र दिया था, तभी तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव तक रोजाना न सिर्फ पैदल मार्च करेंगे बल्कि गांव और शहर में जाकर वोटर से मिलकर सत्ता पक्ष की नाकामियों की पोल भी खोलेंगे। इसी कड़ी में अगस्त क्रांति कर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में किसानों की बदहाली, बदहाल कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी से गद्दी छोड़ो मार्च का आयोजन किया और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हर विधानसभा में 5 किलोमीटर की पदयात्रा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 2 दिन की पदयात्रा मंगलवार को भी जारी रहेगी और ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की राजधानी में जो प्रशिक्षण कांग्रेसी नेताओं को दिया था उसी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति पर यह विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में जो मास्टर ट्रेनर को तैयार करने की बात कही थी वो सारे मास्टर ट्रेनर अगस्त क्रांति मार्च में मौजूद रहे। योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को पहले चरण में 70,000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार करने थे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक ये 70,000 मास्टर ट्रेनर अगले हफ्ते में तैयार हो जाएंगे और उसके बाद इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी हां, सुबह बता दें करीब 11 बजे के बाद अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दोपहर 12 बजे के करीब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। पंजाब की राजनीति के हिसाब से ये बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पहली मुलाकात होगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच अनबन अब किसी से छिपी नहीं है। सिद्धू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न बनने देने के लिए कैप्टन ने हर पैंतरा आजमाया था। वहीं सिद्धू भी लगातार अपने ट्वीट के जरिए प्रत्यक्ष तौर पर कैप्टन पर निशाना साध रहे थे। अब एक बार फिर सिद्धू ने ट्विटर पर कमान संभाली है और सिद्धू ने पिछले 2 दिनों से ट्वीट करके पंजाब सरकार को उसके काम याद दिला दिए हैं। फिर चाहे वो ड्रग्स केस में मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअब्दी का मामला हो, कांग्रेस पार्टी की समिति ने अमरिंदर सिंह को 18 पॉइंट्स दिए थे जिन्हें उन्हें पूरा करना था। वहीं पिछली मुलाकात में सोनिया गांधी ने कैप्टन को इस 28 मुद्दों की याद दिलाई थी। अब सिद्धू भी एक बार फिर से वही मुद्दे याद दिला रहे हैं और माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और कैप्टन की इस मुलाकात में एक बार फिर से इस पर चर्चा हो सकती है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को भारत जोड़ो आंदोलन के तहत तमाम कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भीड़ उमड़ी और आरोप है कि यहां कथित तौर पर आपत्तिजनक सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए और इन्हीं नारों को लेकर AIMI के नेता असुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति भी जताई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ काफी नारे लगाए गए। वहीं जनता मंतप पर मोदी के महल से महज 20 मिनट की दूरी पर है और जब ऐसे नारे लगाए गए जिसमें घटिया नारे शामिल थे, ओवैसी ने आगे कहा कि आखिर इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। इन्हें पता है कि मोदी सरकार इनके साथ खड़ी है। 24 जुलाई को भारत सरकार ने रासुका के तहत दिल्ली पुलिस को किसी भी इंसान को हिरासत में लेने का अधिकार दिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। वहीं लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और वजीर ए दाखला की जवाबदेही भी होनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर लोकसभा के रूल्स के मुताबिक स्थगन प्रस्ताव की नोटिस भी दी है। आपको बता दें कि जनता मंतव्य पर इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने की थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने सांप्रदायिक नारे लगाने के मामले में सोमवार को मामला दर्ज किया है। हालांकि अश्विनी उपाध्याय ने मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने वायरल हो रहे वीडियो की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी है और अगर वीडियो प्रमाणिक है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी महोबा में लाभार्थियों को LPG कनेक्शन सौंपेंगे और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। वहीं मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के 10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। साथ ही प्रवक्ता ने बताया है कि इस योजना के पहले चरण के कई राज्यों के 5 लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत भी करेंगे और एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण में राज्य के गरीब परिवारों को कुल 1,43,862 LPG कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी महोबा की पुलिस लाइन के परेड मैदान में आयोजित जैव ईंधन प्रदर्शनी की भी शुरुआत करेंगे। इस चरण में लाभार्थियों को पहले रिफिल भी मुफ्त में उपलब्ध कराने के साथ ही चूल्हा भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। देश में कोरोना के केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 27,421 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं जबकि 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की इस महामारी ने जान ले ली है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,402 की कमी आई है। वहीं बता दें अब भी 3,00,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है और ये आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 3,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे और बीते दिन दर्ज किए गए 27,421 नए मामले 15 मार्च के बाद सबसे कम हैं। तब से 24,000 से ज्यादा केस एक दिन में दर्ज किए गए थे। उसके बाद देश में लगातार कोरोना मामलों में इजाफा हुआ है। दूसरी लहर के दौरान रोजाना 3,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो ऐसे में देश में एक बार फिर से बीते 24 घंटों में कोरोना मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने CRPF पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला बोला है और हमले में एक जवान के घायल होने की खबर भी आई है। वहीं घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा के
क्राल चेक इलाके में मंगलवार सुबह सीआरपीएफ पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। बिहार चुनाव से जुड़े राजनीति के अपराधीकरण से अवमानना मामले में सुप्रीम फैसला आज आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें हर किसी की टिकी हुई हैं। क्या ये फैसला राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ मंगलकारी साबित होगा, ये हर कोई देखना चाहता है। दरअसल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव की बेला में फैसला अमृत साबित हो सकता है। बिहार गणतंत्र की धरती है और ऐसे में राजनीति में अपराधीकरण सबसे बड़ा वायरस है। ऐसे में आज के फैसले से उम्मीद है हर किसी को। दरअसल पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में 243 सीटों पर 470 दागियों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन दागियों ने आपराधिक जानकारी जग जाहिर नहीं की। ऐसे में अवमानना मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और गत 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज फैसले की घड़ी है और ऐसे में हर किसी की निगाहें फैसले पर टिकी हुई हैं। अमरोहा के गजरौला कस्बे में होटल हाईवे रिसोर्ट में स्टाफ के साथ जिला पंचायत सदस्य के पति और बीजेपी नेता पिंटू भाटी ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को गजरौला के हाईवे रिसोर्ट में हुई मारपीट का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पीटने वाला शख्स हाईवे रिसोर्ट होटल का मैनेजर है और जो वीडियो में पीट रहे हैं उनमें से एक जिला पंचायत सदस्य रेशमा भाटी का पति पिंटू भाटी है, जो होटल के मैनेजर को पूरी तरह से पीट रहे हैं। इस पूरे मामले में धनोरा के कुल क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये घटना 24/7/2021 की लगभग समय लगभग 5 बजे की है। इस संबंध में देवेंद्र कुमार तोमर द्वारा जो है एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर जो है NCR नंबर 222/21 धारा 323(5)(4) पंजीकृत किया गया। इसमें इनके द्वारा 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें 2 नामजद हैं, एक तो वीरपाल और एक पिंटू भाटी और 2 अन्य अज्ञात बच की गई। इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के नजीबाबाद के सहारनपुर में बारिश के पानी में नहाने एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसके बिजली के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत सहापुर निवासी सलीम का पुत्र 18 वर्षीय अजान बीते दिनों मजदूरी करने के लिए सीतापुर गया था। बीते शाम युवक मकान की छत पर नहाने के लिए गया था, तभी अचानक लगे बिजली के तार में करंट दौड़ पड़ा। करंट की चपेट में आने से युवक वहीं छत पर गिर गया। आनन फानन में उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृत युवक के शव को पंचनामा भरकर सोमवार को सहापुर लाया गया। वहीं इस दर्दनाक घटना को लेकर उसके परिवार में कोहराम मच हुआ है। ये बच्चा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जिसमें एक जगह है वहाँ पर गया था, तो वहाँ ये छत पे चला गया। वहाँ पर काम से फारिग होने के बाद छत पे वहाँ जो बताया जा रहा है कि करंट आ रहा था पानी में, तो वो करंट लगने पर घायल हो गया। वहाँ गंभीर रूप से फिर उसको लेकर के गए हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।